नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरसोनिक पी सेवन आर में। मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ टू, टू को लिख सकते हैं टू टू द पावर वन, यानी अगर टू के पावर वन है तो लास्ट के डिजिट जीरो हो या लास्ट का डिजिट जो है वो टू से डिविजिबल होगा अगर, तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 56, 1921, 8734, लास्ट डिजिट फोर है इसलिए ये टू से डिविजिबल होगा। अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ फोर, फोर को टू स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड होना चाहिए, यानी या लास्ट के दो डिजिट जीरो होने चाहिए। टू टू द पावर टू है तो लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल होने चाहिए या लास्ट के दो डिजिट जीरो होने चाहिए, दो जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 537292, 92 डिविजिबल होगा फोर से इसलिए नंबर डिविजिबल होगा। और लास्ट के दो डिजिट जीरो वाले कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 48300। अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ एट, एट को टू यानी लास्ट के थ्री डिजिट एट से एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए या लास्ट के थ्री डिजिट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 192 8512 या 18000। इसी तरह डिविजिबिलिटी ऑफ 16, 16 को 2 टू द पावर 4 यानी लास्ट के 4 डिजिट 0 हो या लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 16 से। डिविजिबिलिटी ऑफ 32, 32 को 2 टू द पावर 5 लिखा जा सकता है, यानी लास्ट के 5 डिजिट 0 हो या लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिविजिबल हो तो वो से डिविजिबल होगा। अब थ्री का देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री, अगर सम ऑफ डिजिट थ्री से डिविजिबल हो, फॉर एग्जांपल 58321, तो 5 + 8 + 4 + 3 + 2 + 1 = 23, 23 को लिख सकते हैं 2 + 3 = 5, यानी 5 थ्री से डिविजिबल नहीं होगा इसलिए ये नंबर नहीं होगा डिविजिबल। अगला एग्जांपल है 5932161, तो 5 + 9 + 3 + 2 + 1 + 6 + 1 = 27, और 27 को लिखेंगे 2 + 7 = 9, और 9 डिविजिबल होगा 3 से इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। अगला डिविजिबिलिटी ऑफ 9, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो, फॉर एग्जांपल 1952172, इसे लिख सकते हैं 1 + 9 + 5 + 2 + 1 + 7 + 2 = 27, और 27 9 से डिविजिबल होगा इसलिए ये नंबर डिविजिबल होगा 27 की डिविजिबिलिटी। 27 से डिवीजन होने के लिए 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो 27 से वो डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट 0 या 5 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 175 1800। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी के बचे हुए डिजिट्स वाले नंबर से माइनस करने पर जो रिजल्ट आए वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 672, तो 2 × 2 = 4 जाएगा, तो 67 - 4 = 63, और 63 डिविजिबल है 7 से इसलिए 672 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं 57498, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, तो 5749 - 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 5733। अब लास्ट का डिजिट 3 है तो 3 का डबल करेंगे 6, अब 573 में से माइनस कर देंगे 6 = आ जाएगा 567, और 7 × 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 14 तो 42 आएगा, और 42 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए ये नंबर भी 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगला डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें, एक एक छोड़ के अंक छोड़ो और जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल 67159 4374 है, तो 6 एक छोड़ के +1 + 1 + 9
प्लस एक छोड़ के 3 प्लस एक छोड़ के 4, इन्हें ऐड कर देना। फिर 7 एक छोड़ के 5 प्लस एक छोड़ के 4 प्लस एक छोड़ के 7, अब इनके सम कर देना, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, इन्हें ऐड कर दिया तो 23 आया। 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 और 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 को ऐड किया तो ये भी 23 आया। और 23 माइनस 23 इज इक्वल टू होगा 0, और 0 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है।